लुटकीन के वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रेवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वॉल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुँचने में सालों लग जाएंगे, इसीलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य। ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, वो नकल बॉल नहीं यार, वो तैयार नहीं है। ओह कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वार्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो, चलो हमारी ट्रेन आ गई है। ओ, मैं तो बिल्कुल गलत था, काश कि ऐसे ही वोल्केनोस बार बार फटते रहे। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टेट्स एनालाइज किए हैं, पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं, इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। वाओ, लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे। ये काम कैसे करता है? मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे कैरिज पर ढेर सारी स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिसे होने वाली बुयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे कैरिज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब, ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है, तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे।
सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है। मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओ बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब। आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज, एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में, और गुनहगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर, नहीं छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है और वो भी बिना दिमाग के। मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो। इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे हमें फायदा तो जरूर होगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शेख, सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो? पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ, उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए, डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ उसका। सरप्राइज। डिंगान। गोल। स्कारा जीता। तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं, ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे। अरे वाह, वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकेंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए स्कारा। हाँ हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन। नकल बॉल, मैं आ रहा हूँ। Yeah.
है। बेहतर होगा तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। स्कारा ने भले ही ट्रेनिंग कोच देख लिया हो पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? स्कारा ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कारा इस ट्रेन में है? तुम कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए। शेख, मुझे एक बॉल दो, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख, अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। इसका मतलब यह है कि तुम नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो, तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए? हाँ। मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो, इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकरहॉफन आ रहा है। सॉरी लेट हो गया, मैं अपनी मूंछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं शेख। जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है चाहे कितना भी गलत लगे सच वही होता है। साफ साफ कहो प्लीज, ये बटलर का काम है। तुम फिर आ गए, एक बार कहा ना मैंने तुम्हारा कबाब नहीं लिया। अब मामला एक मामूली कबाब का नहीं है, अब मामला है उसका। हाँ, ये बैग तो ट्रेनिंग कोच का है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। चुप रहो बटलर, अब तुम अगला कबाब जेल की कैंटीन में ही परोसोगे। मैच का दिन आ गया है और अब भी सारी फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए दोनों टीम्स को मजबूरन गेम में वक्त पर पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, और ये आ रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। वो आ गए। ये मेरा सबसे बढ़िया केस था। ये तुम्हारा इकलौता केस था। बस ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। स्ट्राइकर लैंड में मैच शुरू होने वाला है। मैच क्या दोनों टीम की तैयारी में कमी होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये मैच हमेशा जितने ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर जा पाएगा ब्रेंडा। और मैच शुरू। लगता है हम गलत थे ब्रेंडा, शेख और स्कारा में तो लंबे सफर की थकान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो दोनों तो पूरे जोश में हैं। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी होना आसान नहीं होने वाला। मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ने का प्लान था। ऐसा घटियापन तो तुम ही कर सकते हो स्कारा। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या शेख? वो तो बटलर ने किया। तुमने भले ही सबको धोखा दे दिया पर मुझे पता है वो तुम थे। उसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा प्लान चौपट हुआ, नकल बॉल पूरा हो गया है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। शायद शुरुआत हो चुकी है स्कारा। बस करो, मैं तो सचमुच डर गया। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो तुमने मुझे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। ओ प्लीज, मुझे तो पता भी नहीं था तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब तुम भी उस ट्रेन में थे क्यों?
मुझे माफ कर देना शेख, तुम्हारा शक पहले से ही सही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर से भी गलतियां हुई होंगी। स्कारा का प्लान नहीं चला और अभी हम आ गए हैं, बस इतना ही जरूरी है। अफसोस, बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्कारा ने मान लिया कि उसे पता नहीं था कि तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब उसका इरादा तुम्हें गेम तक पहुंचने से रोकने का नहीं था। तो उसका इरादा आखिर था क्या? इनविंसिबल यूनाइटेड तो बराबरी पर आने के लिए बेताब लग रहे हैं। रास्ते से हटो। हाँ, पर शेख के बढ़िया गोल के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हवा में बॉल, वो नकल बॉल, क्या? और ये गोल! लगता है इन दोनों टीम्स के बीच फैसला करने के लिए सिर्फ एक नया मूव काफी नहीं होगा। वो मेरा शॉट है। उसका प्लान मुझे वहाँ छोड़ना नहीं था, वो तो नकल बॉल को अपने लिए चुराना चाहता था। इसलिए उसने कोच को खोल दिया, लेकिन फिर वो नकल बॉल को सीखने के बाद भी मैच में वक्त पर कैसे पहुँचा? लगता है तुम्हारा सीजन अब पटरी से उतरने वाला है। एक बड़ा जुर्म, खुद के बचाव का इंतजाम, चालाकी भरी बातें, ये बंदा तो माहिर है। अपनी लीड का इंतजाम करके अब इनविंसिबल यूनाइटेड अपना पहला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्लाउस, ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे लाइन स्विच हुई थी। पर क्यों? क्योंकि इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और ट्रेन रुकी हुई थी, उन्हें वहां से लेकर यहां गेम तक लाने के लिए। अरे हाँ, इसी तरह स्कारा हमारी ट्रेन से बचकर निकल गया होगा, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग कोच पर मौजूद था। रास्ता और मैं बचने की फिराक में उसे देख ही नहीं पाए। शेख पहले से ही सही था, ट्रेन की चोरी के पीछे स्कारा ही है। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। हाँ, पर अगर तुम उस तरह के गोल्स बनाते रहे तो तुम जो चाहे सोच सकते हो। तो तुमने रहस्य सुलझा दिया, अब चलो यूनाइटेड को धो डालते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, गोल पर गोल हो रहे हैं। शेख और स्कारा के बीच की समानता चौंका देने वाली है, वो दोनों ही एक शूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो अपने बीच के मनमुटाव को भुलाकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही फील्ड पर एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। आखिरी मौका, क्या विनिंग गोल सुपर स्ट्राइकर्स करेंगे? अफसोस, कारण ने पहले ही शेख को रोक लिया। शातिर चाल, ये फ्री किक भी शायद काम नहीं आने वाली, शेख के नए थंडरबोल्ट के साथ भी। हम इनविंसिबल यूनाइटेड वाले तो ड्रॉ से भी काम चला लेंगे। मैं अब भी एक बात समझ नहीं पाया स्कारा, तुमने कोच का पैग आखिर बटलर के कमरे में रखा कैसे, जबकि तुम ट्रेन में थे ही नहीं? अगर हुनर हो तो सब आसान होता है। मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कमाल का आइडिया आया। इंस्पेक्टर वॉन बेवकूफ तो बटलर को ही गुनहगार बनाने पर तुला हुआ था। इसलिए तुमने सबूत को वहीं छोड़ दिया और गुनहगार के ट्रेन पर ही होने से केस वहीं रफा दफा हो गया। बहुत अच्छे स्कारा, पर हम अब भी तुम्हें हराएंगे। प्लीज, वक्त कहाँ है? तुम्हें हमारे साथ पॉइंट शेयर करने होंगे, जैसे तुमने शेयर किया अपना नकल बॉल। ये सही है, वो पैग ही इस पजल का आखिरी हिस्सा था, पर इससे गेम को हमारी तरफ आने में कोई मदद नहीं मिली है। पैग हमारी तरफ। और ये शेख की जोरदार किक। फैंटास्टिक, शेख का एक और ब्रांड न्यू शॉट। स्कारा तुम्हारा मूव चुरा सकता है, पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, तैयार रहना अच्छा होता है, पर कभी कभी फुटबॉल में उसी पल के लिए जीना होता है।
वैसे तुम्हें वो नया मूव आखिर सूझा? ये वाला रहस्य तो मैं अपने तक ही रखूंगा। मुझे स्कारा को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। वैसे रहस्य से याद आया, क्लाउस कहाँ है? ठीक है, सारे निशान मिटा दिए, अब चलो पकड़े जाने से पहले इसे कहीं छोड़ दे। पर कमाल है ना स्कारा, लग रहा है जैसे कि हम हिल ही नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम हिल नहीं रहे बुद्धू, हम ट्रेन यार्ड में हैं। पर वाकई कमाल है, इस वक्त अगर हम 100 मील की रफ्तार से जा रहे होते तब भी कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार रहस्यमय ट्रेन गायब हो गई, गुनहगारों को अपने साथ लिए। आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया इंस्पेक्टर बॉर्न। सिर्फ क्लाउस भी चलेगा? उन दोनों के लिए जेल की कोठरी तैयार हो जाएगी उस बटलर को रिहा करने के बाद। ओ हाँ, उससे मेरी तरफ से माफी मांगना। फिक्र मत कीजिए, हमें भी वही गुनहगार लगा था। हाँ, इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की स्टोरीज में गुनहगार हमेशा बटलर होता है। हाँ, हमेशा। रुको, आप दोनों इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर को जानते हैं? और नहीं तो क्या, उन्हीं की वजह से तो मैं एक सुपर लीग एजेंट बना हूँ। हाँ, मैं भी। क्या सच में? हमारे हेडक्वार्टर्स में हमने उनका पोस्टर भी लगाया है। हाँ, सच में। तो क्या आप उनका इंस्पेक्टर थीम सॉन्ग जानते हैं? बिल्कुल। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर है प्रीमो डिटेक्टर, उनमें है स्टाइल, उनमें है क्लास, करते हैं शान से पूछताछ।